सभी हम दीवानी पहुंच गए और यहीं पास में भाई का ठेला है, तो चलो नान छोली खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। सभी हम वहां पे पहुंच गए जहां पे आना था, तो चलो भाई से मिलते हैं। और अभी जल्दी में खोले और गार्डन किए हैं नान छोले का, लल्लू नान छोला, तो चलो इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। भाई आपका नाम? कब से खोले? अभी उद्घाटन हुआ है ना? अभी हुआ है, एक डेढ़ हफ्ता। तो भाई देखो अभी हमारे लिए नान छोले फ्री में खिलाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और खा सकते हो। तो चलो अभी आपको इनका ठेला दिखाते हैं। दीवानी के सामने कदम आओगे तो आपको ये ठेला मिलेगा जो लल्लू नान छोले के नाम से फेमस है। इस रोड से आप आओगे, कैसे आप बैराज वाली रोड पे आओगे और दीवानी पड़ता है, यहाँ पे आप आओगे नान छोले का ठेला पड़ेगा जो लल्लू के नाम से है, और यहाँ पे आप आके खा सकते हो। बहुत स्वादिष्ट और बहुत शानदार बनाते हैं भाई। तो चलो अभी हम खा के आपको टेस्ट पूरा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो आप डालने जा रहे हैं, ये देखो लग गई। डालो डालो डालो, तो लगी रोटी। दो और उधर मेरी थाली तैयार हो रही, रोटियां निकल आई। ये देख, तो काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है और पैसा सब में होता है, बस इंसान की गलत फहमी होती है। तो आज एक ऐसे भाई से मिलाने जा रहा हूँ जो आपकी आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, तो चलो उनसे मिलाते हैं। भाई अपना नाम बता दीजिए। शिवनाथ पटवा जी। इनका नाम शिवनाथ पटवा और ये भिनका बाज़ार में अभी नान छोले स्टार्ट किए हैं। भाई आप कब से स्टार्ट किए और कहाँ से सीखे? आपका बहुत ज़बरदस्त था नान छोले। हम तो काम सीखे हैं जी लुधियाना में, लुधियाना में बहुत, और यहाँ अभी हुआ एक हफ्ता हुआ चालू करें, अभी काम चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है कि नहीं कस्टमर से? मिल रहा है, बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं। और यहाँ पर दोपहर में वो क्या नाम है 12 बजे के बाद में भीड़ लगती है दुकान पर काफ़ी, और नहीं तो 2-3 लोग हैं दुकान पर काम करते हैं, और धीरे धीरे जिससे ही कस्टमर बढ़ते जाएंगे वैसे ही स्टार्टिंग होती जाएगी, आपको सेटअप अच्छी मिलेगी। आप पार्टी तो नंबर एक दे रहे हैं भाई। भाई आप कभी भी इस रोड से गुजरो तो यहाँ पे एक बार नान छोले चेक करो, ये बहराइच वाले रोड पे पड़ता है। आप भिंगा से बहराइच वाले रोड पे आते हो तो आपको दीवानी के जैसे सामने गेट नंबर एक पर। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, और इनका नान छोला का यार बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं भाई। छोले तो ये देख ताजे ताजे माल। हमारी थाली हमारे साथ रेडी है, और यहाँ पे छोले हैं और चटनी है और प्याज है, और ये है अभी एक चीज़ कमी है जो अभी आया नहीं है इनके पास, दही। तो अभी आ जाएगा तो दही का रायता भी मिलता है इसके साथ, तो आप आके खा सकते हो। तो चलो हम खा के आपको टेस्ट बताते हैं। टेस्ट तो बहुत मस्त है, आप यहाँ पे आओ और खाओ, चाहे एक ही खाओ।
सुपर यार।